सत्य के साथ। उत्तराखंड के पहाड़ों में परंपराएं अजीबोगरीब हैं, लेकिन वो जन संदेश देती हैं। वो संदेश देती हैं कि कैसे हम अपनी प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करें। ऐसा ही कुछ नजारा पहाड़ में दिखाई पड़ा। एक अनोखी शादी वो हुई जिसमें परंपरा निभाई गई, गांव के रीति रिवाज और उन्हें बचाने की पहल की गई। ग्राम सभा पूर्णा चमोली देवाल में दूल्हा संजय और दुल्हन ममता ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी मिसाल पेश की जिसका आज पूरे पहाड़ में ही नहीं, जो देख रहा है, सुन रहा है, वो तारीफ कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की एक परंपरा है जहां दूल्हा दुल्हन पानी के धारे की पूजा करते हैं और मूल जल स्रोत को बचाने का संकल्प लेते हैं। चमोली के देवाल में संजय और ममता ने धारे की पूजा कर मूल जल स्रोत को बचाने की एक बार फिर संकल्प के साथ लोगों को प्रेरणा दी कि लोग जिस तरह से जल स्रोत सूख रहे हैं और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, हमें आगे बढ़कर इन जल स्रोतों को बचाना होगा। वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी कहते हैं कि उनका अनुसरण अगर मनुष्य करे तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं होगा बल्कि उनका संरक्षण होगा। आज जो हमारे रीत रिवाज है वो पूर्वजों ने बनाए हैं। दुल्हन तांबे के गागर में पानी भरकर परिवार के सभी सदस्यों को पानी पिलाकर आशीर्वाद लेती है। हमारे गांव के जो पुराने पूर्वज रहे हैं उन्होंने पानी के संरक्षण करने के लिए एक रीति रिवाज और परंपराएं बनाए हुए हैं। इस परंपरा के माध्यम से नव दुल्हा और दुल्हन जब घर पर प्रवेश करते हैं तो वो पानी के मूल जल स्रोत जिसे धारा कह देते हैं वहां जाकर के उसका पूजन किया करते हैं। उसके पीछे का मंतव्य यह है कि जो हमारा पानी का मूल जल स्रोत है वो संरक्षित रहे, उसका देखभाल हो सके और उसको बचाने के दुल्हा दुल्हन भी संकल्प लेते हैं ताकि जो मूल पानी का जल स्रोत है वो बचा रह सके और उसका उपभोग हमारे आने वाली पीढ़ी कर सके। तो ऐसी कई परंपराएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने बना के हम लोगों के लिए रखे हुए हैं ताकि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण हो सके। पंडित दिलीप राम कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नव दंपत्ति पानी के धारे की पूजा कर पानी बचाने का संदेश देती है। उन्होंने कई दूल्हा दुल्हनों की ऐसी ही धारे की पूजा कराई है। यहाँ पर जो ये पानी का धारा का पूजन हम करते हैं, ये पानी यहाँ पर पूजा करने से इनकी जीवन सुखमय हो, इसलिए यहाँ पर हम पूजा कराते हैं। और जो भी नव दुल्हन दूल्हा दुल्हन आते हैं मैं सबसे यही पूजा कराता हूँ ताकि हमारा पानी का संरक्षण बचे रहे, हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, यही हम सभी हमारा, इसलिए मैंने वृक्ष को संपूर्ण करता हूँ। उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसी अनेक परंपराएं हैं जो समसामाजिक समस्याओं, कुरीतियों और हमारी जरूरतों के लिए बेहद अहम है। तभी तो कहा जाता है कि परंपराओं से जुड़कर न सिर्फ प्रकृति को बचाया जा सकता है बल्कि हम अपने आने वाले कल को भी बचाते हैं। खास बात यह है कि इस तरह के शादियों में लोग दूल्हा दुल्हन को कोई महंगा गिफ्ट या उपहार नहीं बल्कि शगुन के तौर पर पौधा देते हैं और यही पौधा दूल्हा और दुल्हन मिलकर लगाते हैं ताकि वो आने वाले समय में वृक्ष बन जाए और पहाड़ों पर हरियाली बरकरार रहे। समाज को आज जरूरत है ऐसे ही परंपराओं को आगे बढ़ाने की, युवाओं को ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए उन्हें निभाने की ताकि पर्वत और पहाड़ों पर पर्यावरण का संरक्षण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वायरस। सत्य के साथ।